हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th से 11th में जा रहे हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो कुछ बच्चों को जो टाइम मिलना चाहिए था कुछ सोचने के लिए कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है आगे, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ पिछले साल भी ऐसे स्कूल बंद रहे हैं, तो एक जो गाइडेंस टीचर की तरफ से या अपने पीयर ग्रुप की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। तो आज हम 3 पॉइंट के साथ ये समझेंगे कि आगे स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें और जिससे कि आपको पूरी हेल्प हो अपना करियर डिसाइड करने में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको अगली वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो पहला पॉइंट है कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मार्क्स, यानी कि मार्क्स को देख के हम स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए 90% से अबव तो साइंस, उससे कम रह गए तो कॉमर्स, और उससे भी कम आ गए तो आर्ट्स। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है कि मार्क्स ज़्यादा भी आ जाते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर कई बार कई कारणों से कम भी रह जाते हैं, तो मार्क्स को देख के डिसाइड ना करें कि आपका करियर क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स और रिलेटिव का प्रेशर, यानी कि कई बार पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। मान लो पेरेंट्स इंजीनियरिंग साइड से हैं या डॉक्टर साइड से हैं या किसी भी फील्ड से हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी यही करे, तो वो प्रेशर बनाते कि बेटा ये स्ट्रीम ले लो। तो ये भी एक गलत तरीका है स्ट्रीम सिलेक्शन का। आपको अपना डिसाइड करना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं यही स्ट्रीम लेके चलूँ। और तीसरा पॉइंट है मनी एंड फेम। कई बार हम किसी मूवी में देख लेते हैं या किसी को आइडल बना लेते हैं कि हाँ हाँ इस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा है, या ये मैं करूँगा तो मुझे शोहरत भी मिलेगी। ये भी गलत तरीका है स्ट्रीम सिलेक्शन करने का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है स्ट्रीम को सिलेक्ट करते वक्त। इसमें पहला पॉइंट है इंटरेस्ट, यानी कि आपका क्या गोल है, क्या आपका इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे कि आपने आपका इंटरेस्ट है कि मैं तो आगे जाकर कोई वेब डेवलप करूं या कोई ऐप को डिजाइन करूं, तो उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। या आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है, तो उसके लिए कौन सा आसान तरीका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया है इंटरेस्ट, और दूसरा पॉइंट है एबिलिटी, यानी कि आपकी कितनी क्षमता है उस। कई बार क्या होता है कि आपकी एबिलिटी तो है लेकिन उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपकी एबिलिटी उतनी नहीं है। आप करना तो चाह रहे हैं इंजीनियरिंग, आपका मैथ कमज़ोर, तो आप कैसे बन पाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, आप हार्ड वर्क से अपनी एबिलिटी को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये दो पॉइंट भी आप ध्यान में रखें स्ट्रीम को सिलेक्ट करते वक्त। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, यानी कि आप स्ट्रीम को सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखें कि मुझे कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं और उनसे मैं आगे क्या क्या, यानी कि थोड़ी बहुत गाइडेंस। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता है कि मुझे आगे करना क्या है, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जैसे 10th के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि 3 स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। साइंस के अंदर जैसे PCM और PCB, यानी कि PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि जिन बच्चों को इंजीनियरिंग साइड में जाना है या फिर आर्किटेक्चर बनना है या इस टाइप का कोई भी वो करना है, इसका मतलब है आपको PCM लेना पड़ेगा।
पीसीबी यानी कि जिनको डॉक्टर बनना है या फार्मासिस्ट बनना है या इस टाइप की फील्ड में आपको जाना है तो आपको पीसीबी सेलेक्ट करना होगा। अब आते हैं हम कॉमर्स, जिन बच्चों को आगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या फिर जिन बच्चों को खुद का बिजनेस डेवलप करना है, या किसी को बैंकिंग साइड में जाना है, इन्वेस्टिंग साइड में जाना है, या फिर इंश्योरेंस साइड में जाना है, तो उन बच्चों के लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट रहेगा। कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी और साथ के साथ मैथ ऑप्शनल भी ले सकते हैं। कॉमर्स विद मैथ भी और विदाउट मैथ भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ह्यूमैनिटीज के ऊपर। ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्टों में आपको ये देखना है कि मुझे आगे कौन सा करियर बनाना है, तो उसके अनुसार जैसे सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन हम बात करें तो जिन बच्चों को यूपीएससी क्लियर करना है यानी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह बनना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ह्यूमैनिटीज। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि साइंस और कॉमर्स वाले नहीं बनते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा है? ह्यूमैनिटीज, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो साइंस यानी कि बीटेक करने के बाद यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन वो एक लंबा रास्ता है। आपको यदि आपका डिसाइड है पहले से ही कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है तो आप सबसे आसान और सबसे छोटे रास्ते से चलें। इसके बाद जैसे और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि रेलवे के हैं या फिर सीजीएल वगैरह है, तो उनके लिए बेस्ट जो रहेगा वो ह्यूमैनिटीज रहेगा। साथ में जिन बच्चों को टीचिंग लाइन में जाना है या जिन बच्चों को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है यानी कि जो मीडिया हाउस में जाना चाहते हैं, जो एक न्यूज एंकर बनना चाहते हैं या वैसे एंकरिंग करना चाहते हैं या पीछे से रहकर आप न्यूज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं। मैनेजमेंट के बहुत से कोर्स हैं, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी एक अलग से कोर्स आ गया है तो मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इवेंट को आप मैनेज कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है यानी कि जैसे बड़ी बड़ी शादियां होते हैं उनको मैनेज करना, या फिर आप फाइन आर्ट की दिशा में जाना चाहते हैं जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मूवी मेकर बनना चाहते हैं, जो भी इस दिशा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज का रास्ता खुला हुआ है। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इस टाइप के मेन जो ये सब्जेक्ट हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। तो जिन बच्चों का इस दिशा में इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। कैरियर से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए अलग से, आर्ट्स के यानी ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए अलग से, कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग से, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, आप वो देख सकते हैं, तो उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा तो आपको उससे गाइडेंस मिलेगी कि 10+2 के बाद आप कौन कौन सी साइड के कौन कौन से करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें और प्रेशर में आके स्ट्रीम सेलेक्ट ना करें। और मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप किस किस स्ट्रीम के द्वारा कौन कौन सा करियर चुन सकते हैं या उनमें कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनकी आप अच्छे से तैयारी करें और अपना करियर उस दिशा में बनाएं। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जिस भी स्ट्रीम के बारे में आपको जानना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में कहना चाहूँगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।